लंदन कैम्ब्रिज में अपनी स्पीच के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है, पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। इसके बाद देश में इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बयान दिया। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत को बार बार बदनाम करते हैं। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने विदेश में एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी के संबोधन का विषय लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी रहा। यहां राहुल गांधी ने खुद की जासूसी करवाने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। राहुल गांधी ने पेगासस का जिक्र करते हुए कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी थी। कैप्चर एंड कंट्रोल ऑफ मीडिया एंड द जुडिशरी, सर्वेलेंस एंड इंटिमिडेशन, आई मायसेल्फ हैड पेगासस ऑन माय फोन, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैव पेगासस ऑन माय फोन ऑन देयर फोन, आई हैव बीन कॉल्ड बाय intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत की सभी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं, मीडिया और न्यायालयों पर भी सरकार का नियंत्रण है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। Fundamental and goes back to the point I raised about India being a public good and being the biggest democracy in the world. We simply cannot afford a planet that doesn't produce under democratic conditions. Okay? Because if democracies do not start producing again, right, they will not survive. Because the tensions that will arise inside the democracy, the inequality that will arise, the anger that will arise will just collapse the democracy. So what is required is new thinking about how you start to produce in a democratic environment, which is completely different than production in a coercive environment. हालांकि राहुल गांधी ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी की दो नीतियों की तारीफ भी की है। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं के लिए लाई गई उज्ज्वला सिलेंडर योजना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना एक अच्छा कदम है। इधर राहुल गांधी के विदेशी धरती पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विदेश में राहुल गांधी देश को बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्वोत्तर नतीजों का जिक्र कर राहुल गांधी पर पलटवार किया। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल जी कम से कम इटली के पीएम की बात सुन लेते। उन्होंने जिस तरह प्रधानमंत्री जी की दुनिया भर में लोकप्रियता के बारे में कहा और दुनिया ने कैसे हमारे पीएम को बड़े नेता के रूप में स्वीकारा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। जाहिर है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने पहले विदेश दौरे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जोरदार हमला बोला है और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जोरदार पलटवार किया है। इससे राजनीतिक घमासान बढ़ा हुआ है।
कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।